बहादुर सिंह ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण करने के बाद उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए वीर सेनानियों ने तमाम संघर्ष किए, तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन किया। तमाम सेनानी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर इस देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा की। ऐसे ही वीर सेनानियों से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है। दूसरों में कमियां ना निकालें, बल्कि दूसरों से अच्छाई सीखकर अपनी कमियों को दूर करें। वहीं पुलिस लाइन मैनपुरी में 72वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री व भोगांव विधायक राम नरेश अग्नोत्री ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित किया। उसके बाद पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों द्वारा परेड की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों ने अपने अपने टोलियां बनाकर जौहर व कर्तव्य दिखाए। मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन माँ एक कसर रह गई मेरे लिए, मेरे दिल में देश के लिए इंसानियत और हसरत थी। मैं उसका हजारा बाप भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। Thank you.